वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बांग्लादेशी मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है कुहेलिका, जो रिसेंटली बिंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। अब मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी एक जगह पर स्टार्ट होती है और कहीं और जाकर एंड होती है। इस दरमियान में कुछ ट्विस्ट सामने आते हैं, कुछ सस्पेंस रिवील होते हैं। मूवी का मैसेज बस इतना है कि किसी पर भी इतना जल्दी भरोसा मत किया करो। आजकल लोग अपने फायदे के लिए झटके में बदल जाते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ, उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक बंदा आधी रात को अपनी गाड़ी से किसी जगह पर आकर इस गाड़ी को आग से उड़ा देता है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। तो पहले कैरेक्टर का नाम है आरिफ, जो फिलहाल किसी बंदे से मिलने के लिए एक ऑफिस आता है, लेकिन वहाँ का वॉचमैन आरिफ को अंदर ही नहीं आने देता और आरिफ जिस बंदे से मुलाकात करने के लिए आया होता है उसका फोन भी नहीं लग रहा होता। मायूस होकर आरिफ अपना फोन देखते हुए जब रोड क्रॉस करने ही वाला होता है, तभी हल्के से एक गाड़ी इसको ठोक देती है, जिसकी वजह से आरिफ का हाथ जख्मी हो जाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आरिफ का फ्रेंड हासिब आता है। ये दोनों मिलकर उस ऑफिस के बाहर उस बंदे का इंतजार करते रहते हैं। तो फाइनली थोड़ी देर के बाद तनवीर नाम का एक बंदा अपनी गाड़ी से बाहर आता है। उसके बाद ये तीनों बस ऐसे ही शहर से बाहर जाकर किसी पैसों के बारे में बातचीत करते रहते हैं और हासिब आरिफ को कन्विंस करते रहता है। दूसरे सीन में एक कपल को दिखाया जाता है। बंदे का नाम होता है इरफान और बंदी का नाम होता है नाजिया, और मूवी के दरमियान इन दोनों की लाइफ को दिखाते रहते हैं। इरफान एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। फिलहाल इरफान और नाजिया ये दोनों किसी पार्टी पर आते हैं। पार्टी में आते ही इरफान किसी औरत के साथ फ्लर्टिंग करते रहता है। अब नाजिया वहाँ पर किसी को भी नहीं जानती, वो बस अकेली खड़ी रहती है। सो एक अनजान बंदा नाजिया के पास आकर इसको ड्रिंक ऑफर करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर इरफान आता है। एक्चुअली इरफान नाजिया पर हमेशा शक करते रहता है। खैर दूसरी तरफ आरिफ की गर्लफ्रेंड अनिशा अपना काम खत्म करके आरिफ के पास आती है। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और इसी दौरान आरिफ अनिशा से ट्रिप के लिए मनाते रहता है। बहुत कन्विंस करने के बाद फाइनली अनिशा मान जाती है। सो दूसरे दिन सुबह सवेरे ये चारों ट्रिप पर निकल आते हैं, आरिफ अनिशा हासिब तनवीर। इसी दरमियान में जब अनिशा अकेली होती है, तनवीर अनिशा के पास आकर फ्लर्टिंग करने की कोशिश करने लगता है। अनिशा के सामने अपना पैसों का रोब जमाने लगता है कि वो देखो उस पहाड़ी से लेते हुए उस पहाड़ी तक ये सारी की सारी जमीन मेरी है, आई एम द किंग। अनिशा को तनवीर की बातें फालतू लगने लगती है। आरिफ जब अनिशा के पास आता है, अनिशा आरिफ से यही कहने लगती है कि तुम्हारा दोस्तों बहुत ही फालतू बातें करता है, और उसी तरह आरिफ यहाँ पर थोड़ा अपसेट सा रहता है। दूसरी तरफ नाजिया और इरफान को दिखाया जाता है। थोड़ी देर पहले नाजिया मीडिया के सामने जाकर अपने फ्रीडम के बारे में बात की कि मुझे इतना फ्रीडम नहीं मिलता। वो खबर सुनने के बाद इरफान नाजिया को बहुत टॉर्चर करने लगता है कि आजकल तुम ज्यादा ही उछल रही हो, मैंने तुमको बहुत ज्यादा छूट दी है, अब तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। इस तरह से कोई न कोई बात को लेकर टॉर्चर करते रहता है। दूसरी तरफ रिसोर्ट में अनिशा को अकेला देखकर तनवीर दोबारा अनिशा के पास आकर इसके बॉयफ्रेंड आरिफ के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है कि तुमने क्या फालतू लड़की को चूज किया, ही सच ए बास्टर्ड, अभी भी चांस है मेरा दिल तुम्हारे लिए खुला है। लेकिन अनिशा तनवीर की बातों को इग्नोर करते हुए आरिफ के पास जाती है, दोबारा तनवीर के बारे में बोलने लगती है। आरिफ यही कहने लगता है अरे वो हमेशा से ही ऐसा है, लाइट ले लो तुम। इसी दरमियान में जब आरिफ अनिशा से कुछ कहने ही वाला होता है, तभी तनवीर इन दोनों के पास आकर इन दोनों को डांस करने के लिए बुलाता है। इस तरह से ये चारों बियर वगैरह पीते हुए एंजॉय करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद अनिशा फ्रेशअप वगैरह होने के लिए अपने रूम आती है। दूसरी तरफ एक दिन नाजिया से मिलने के लिए उसका भाई नवीद अपनी बेटी के साथ आता है। मूवी में नवीद को नाजिया का भाई बताया है, लेकिन असली रिलेशन क्या है मुझे पता नहीं। और एक्चुअली नवीद को कुछ दिमागी बीमारी होती है, किसी डॉक्टर के पास काउंसलिंग लेते रहता है। इसकी बेटी का नाम होता है रिया, जो एक गूंगी होती है। सो नाजिया से मुलाकात करके रिक्वेस्ट करने लगता है कि जब तक मेरे सेक्शंस खत्म नहीं होते तब तक तुम रिया को अपने पास रखो। पहले तो नाजिया मानती नहीं, लेकिन बाद में मान लेती है। सो इस तरह से नाजिया रिया को अपने घर लाकर ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब रिया किसी चीज से खेल रही होती है, घर आया हुआ इरफान रिया को देखकर इस पर चिल्लाने लगता है। इरफान की आवाज सुनकर नाजिया बाहर आकर इरफान को डांटने लगती है कि वो बच्ची है और ऊपर से गूंगी, उस पर अपना रोक मत जमाओ। इसी बात से झगड़ा होने की वजह से नाजिया रिया को लेकर इरफान के घर से चली जाती है। नवीद को कॉल करने पर नवीद नाजिया और रिया को अपने घर ले जाने लगता है। इस तरफ अनिशा अपने कमरे में एक हॉट ड्रेस को देखती है, सोचने लगती है कि शायद आरिफ ने ही इस ड्रेस को यहाँ पर रखा। जब इस ड्रेस को पहनने ही वाली होती है, तभी तनवीर आकर अनिशा को पीछे से हक करने लगता है और बिना सोचे समझे इसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करने लगता है। अनिशा चीखते चिल्लाते हुए आरिफ को बुलाने लगती है, फिर भी तनवीर नहीं रुकता। तभी अनिशा के हाथ एक बियर की बोतल लगने की वजह से तनवीर को गला काट के मार देती है।
तब जाके आरिफ और हासिब दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर ये दोनों तनवीर की लाश को देखकर शॉक में हिरे जाते हैं। अनिशा रोते हुए आरिफ से यही कहने लगती है कि मैंने इसको नहीं मारा, ये बस एक्सीडेंट था। हासिब भी बहुत डर जाता है कि तनवीर कोई मामूली बंदे का बेटा नहीं, अब तो हम सारे लोग गए काम से। लेकिन आरिफ अनिशा और हासिब को संभालते हुए तनवीर की लाश को अपनी गाड़ी की डिक्की में रखकर कहीं पर जाने लगते हैं। रास्ते भर अनिशा इसी शॉक में रहती है कि अगर ये बात पुलिस को पता चलेगी तो क्या होगा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तनवीर ने ही मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, अनजाने में वो मर गया। अगर ये बात मेरी माँ को पता चलेगी तो क्या होगा। इस तरह से बड़बड़ाते हुए अनिशा अपना फोन लेकर अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करने लगती है। आरिफ अनिशा को रोकते रहता है। इसी हाथापाई के बीच इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ज्यादा एक्सीडेंट नहीं होता, बस इनकी गाड़ी का व्हील किसी जगह पर अटक जाता है। ये देखकर ये तीनों और डरने लगते हैं। इसी दरमियान में आरिफ को तनवीर की गाड़ी में तनवीर की गन मिलती है, वो चुपचाप अपने पॉकेट में रख लेता है। उसके बाद ये दोनों थोड़ी दूरी पर किसी का घर देखते हैं। आरिफ हासिब को यहीं पर रुकाकर अनिशा के साथ उस घर जाने लगता है किसी से हेल्प मांगने के लिए, और ये दोनों अपना नाम बदलकर उन घर वालों से अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। शॉकिंग बात यह है कि ये घर और किसी का नहीं, नवीद का होता है। आरिफ और अनिशा नाजिया और नवीद को अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हैं कि इनकी गाड़ी कहीं पर फंस चुकी है, थोड़ा टूलकिट वगैरह मिल जाए तो अच्छा होगा। लेकिन नवीद टूलकिट देने के बजाय आरिफ के साथ ही इसके गाड़ी के पास जाने लगता है क्योंकि ये गाड़ी रिपेयर का काम जानता है, और इसी तरह अनिशा को घर में ही रुकने के लिए कहता है। इस तरह से आरिफ नवीद को अपनी गाड़ी के पास लाकर दिखाने पर नवीद गाड़ी का टायर चेंज करने लगता है। इसी दरमियान में नवीद गाड़ी के बैक साइड कुछ खून के धब्बों को देखता है और उसी तरह गाड़ी के अंदर एक डेड बॉडी। तभी आरिफ नवीद के सर पे वार करके इसको बेहोश कर देता है कि नवीद ने इनकी सच्चाई जान ली। इस तरफ नाजिया रिया को उसके कमरे में सुलाकर अनिशा के लिए चाय बनाकर लाती है। एक्चुअली बात यह है कि ये घर नवीद का नहीं होता, इरफान का ही होता है। इस घर में नाजिया और इरफान के फोटोज मौजूद होते हैं। जब अनिशा इसके बारे में पूछती है तो नाजिया कुछ भी जवाब नहीं देती, जबरदस्ती अनिशा को बिस्किट्स ऑफर करने लगती है। खैर थोड़ी देर के बाद आरिफ और हाशिब यहाँ पर आते हैं। नाजिया नवीद के बारे में पूछने लगती है। आरिफ कहने लगता है, अरे वो भाई साहब तो गाड़ी का सामान कुछ खरीदने के लिए मार्केट गए हैं, हमको यहाँ पर रुकने के लिए कहा, थोड़ी देर में आ जाएंगे वो। लेकिन नाजिया को ये बात कुछ हजम नहीं होती कि इतनी रात को ऐसी कौन सी दुकान खुली होती है, लेकिन फिर भी इन दोनों को अपने घर में बुलाकर रश करने के लिए कहती है। उसके बाद नाजिया रिया के पास आकर साइन लैंग्वेज में कहने लगती है कि जब तक मैं ना हूँ तुम अपना दरवाजा ओपन मत करना। इस तरफ अनिशा आरिफ से नवीद के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ जो बंदा आया था वो कहाँ पर गया। लेकिन आरिफ और हासिब अनिशा को सच नहीं बताते, बस ये दोनों अपना अपना बहाना बनाने लगते हैं। इसी बात को लेकर आरिफ और अनिशा के बीच एक छोटा सा झगड़ा होने लगता है। दूसरी तरफ नाजिया नवीद के फोन को कॉल करती रहती है, लेकिन नवीद अपना फोन पिक ही नहीं कर रहा होता। तभी नाजिया ये देखती है कि तनवीर के गाड़ी में नवीद का फोन है, मतलब वहाँ पर इसका फोन रिंग होते रहता है। गाड़ी में जाकर चेक करने पर उस गाड़ी में तनवीर की लाश होती है। तभी वहाँ पर हासिब आता है। हासिब नाजिया को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन नाजिया गलत समझकर जंगलों में भागने लगती है। इस तरफ आरिफ अपने हाथ पर लगे हुए जख्म को मरहम पट्टी करते रहता है। इसी दरमियान में मौका देखकर अनिशा उस घर के लैंडलाइन फोन से अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करने लगती है। एक्चुअली आरिफ ने इन सारे लोगों के फोन को फेंक दिया होता है। खैर ये देखकर आरिफ अनिशा को गन से डराने धमकाने लगता है। आरिफ का ये चेहरा देखकर अनिशा के तो होश उड़ जाते हैं। पूछने लगती है कि ये गन कहाँ की और इस घर का आदमी कहाँ पर है। इसी बात को लेकर दोबारा इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। हासिब अनिशा को घर के बाहर लाता है और अनिशा को एक शॉकिंग बात बताने लगता है कि एक्चुअली कुछ दिनों पहले आरिफ ने रंजू नाम के एक बंदे से कुछ पैसे उधार पर लिया था। आरिफ टाइम पर चुका नहीं पाया। एक दिन रंजू और उसके आदमी आरिफ को पकड़कर इसके हाथ को जख्मी कर दिया। सो आरिफ किसी भी तरह से पैसे हासिल करने के लिए तनवीर से एक डील की कि आरिफ अपनी गर्लफ्रेंड अनिशा को तनवीर को देगा एक रात के लिए, बदले में तनवीर आरिफ को कुछ पैसे देगा। यह सुनने के बाद अनिशा के तो होश उड़ जाते हैं। इसी दरमियान में हासिब अनिशा को समझाने के बहाने से इसको किस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अनिशा हासिब को दूर ढकेल कर ये भी जंगलों में भागने लगती है। तभी नाजिया अनिशा को पकड़ लेती है और नवीद के बारे में पूछने लगती है। अब अनिशा इसके साथ जो हुआ वो सारी बात नाजिया को समझाने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आरिफ ने मेरा सौदा किया और मेरे हाथों से तनवीर की मौत हो गई, नवीद कहाँ पर है मुझे पता नहीं। दूसरी तरफ हासिब अनिशा की तलाश करते रहता है। इसी दरमियान में घर के पीछे एक कमरे में आकर फ्रीजर में कोई चीज को देखकर इसके तो होश उड़ जाते हैं। इस फ्रीजर में इरफान की लाश होती है, नाजिया का हस्बैंड। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है।
कुछ घंटों पहले एक्चुअली इरफान नाजिया के फोन को ट्रैक करते हुए यहाँ पर आया था। नाजिया से झगड़ा करते हुए वापस अपने घर बुलाने लगता है। जब नवीद इरफान को रोकने की कोशिश करता है, इरफान नवीद को भी एक छापड़ लगाता है, उसी तरह नाजिया को भी। गुस्से में आकर नाजिया इरफान को कांच के ऊपर गिराने की वजह से इरफान के गले में कांच चुभकर इसकी मौत हो जाती है। जब नाजिया और नवीद लाश को और अपने घर को साफ कर रहे होते हैं, उसी वक्त आरिफ और अनिशा इनके घर आए थे। खैर, प्रेजेंट डे पर नवीद होश में आकर हासिब को पकड़कर मार देता है। दूसरी तरफ आरिफ किसी कमरे में रिया को देखकर इसको अपने गन पॉइंट पर रखते हुए छत के ऊपर आता है। दूसरी तरफ नाजिया और अनिशा अपने घर आते वक्त उस कमरे में हासिब की लाश को देखते हैं। तभी नवीद नाजिया के पास आता है और नाजिया अनिशा के बारे में बताने लगती है। इसी दरमियान में आरिफ चीखते चिल्लाते हुए नाजिया को बुलाने लगता है। नाजिया घर के अंदर जाने ही वाली होती है, नवीद नाजिया को रोक देता है कि तुम सब्र से काम लो। उसके बाद पहले नाजिया आरिफ के पास जाती है और रिया के बारे में बताते हुए रिया को इसे देने के लिए कहती है। आरिफ उस फोटो वाले बंदे के बारे में पूछने लगता है कि वो फोटो वाला बंदा कौन है और तुम्हारे घर में कौन था। नाजिया कहने लगती है कि वो मेरा हस्बैंड है। आरिफ इरफान को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन नाजिया कहने लगती है कि मैंने इरफान को मार दिया। उसी वक्त अनिशा भी यहाँ पर आकर आरिफ को ये बात समझाने लगती है कि मैंने भी इरफान की लाश को उस फ्रीजर में देखा। इसी बातों में आरिफ का हाथ बहुत पेन करने लगता है। अनिशा आरिफ को समझाते हुए इसको इंजेक्शन डालने लगती है, लेकिन इंजेक्शन डालते ही फटाक से आरिफ की मौत हो जाती है। जब नवीद आकर पूछता है कि ये कैसे मर गया, अनिशा कहने लगती है कि मैंने एम्प्टी सिरिंजी को इसके बॉडी में डाल दिया। उसके बाद क्या था, नवीद इन तीनों की लाश को तनवीर के गाड़ी में रखकर किसी सुनसान जगह पर आकर इस गाड़ी को ही उड़ा देता है। इस तरह से ये तीनों अनजाने में मर्डरर बन गए। नाजिया ने अपने हस्बैंड को मारा, नवीद हासिब को मारा और अनिशा आरिफ को। इस तरह से ये सिंपल मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।